नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। दिन का पहला कोरोना अपडेट आया है और बिहार से जुड़ा हुआ ये दिन का पहला कोरोना अपडेट, जिसमें बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार में 133 नए मरीज मिले हैं। जी हां, बिहार में लगातार तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है और अब 133 नए मरीज मिले हैं। कुल संख्या की अगर बात कर लें तो कुल संख्या 2870 हो गई है। लगातार जो मरीज मिल रहे हैं उनमें से बताया ये जा रहा है कि अधिकतर जो मरीज हैं वो प्रवासी मजदूर हैं। और बात अगर करें कि जो आज मिला है, मतलब मंगलवार की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मंगलवार दोपहर 2 बजे तक जो 133 नए मरीज मिले हैं उनमें से सबसे अधिक मरीज खगड़िया से मिले हैं। खगड़िया से 23 मरीज सामने आए हैं, जबकि किशनगंज से 17 मरीज, बांका से बात कर ले तो 15 मरीज, भागलपुर की बात कर ले तो 14 मरीज, दरभंगा की बात कर ले तो 12 मरीज, इसके अलावा सहरसा से भी 12 मरीज मिले हैं, इसके अलावा सुपौल से बात करें तो 8 मरीज मिले हैं, शेखपुरा से 7 मरीज, सारण, लखीसराय, गोपालगंज और गया यहां से 4-4 मरीज मिले हैं, इसके अलावा अररिया से 3 मरीज मिले हैं, इसके अलावा मधेपुरा, नालंदा, वैशाली, सिवान, गया और जमुई, इन जगहों से एक एक नए मरीज सामने आए हैं। तो ये बिहार का आंकड़ा है। बिहार में मरने वालों की संख्या, जैसा कि आपको पता है, अभी फिलहाल 13 ही है और ठीक होने वालों की संख्या 750 से ज़्यादा हो गई है। तो ये आंकड़ा है बिहार का और आंकड़ा मंगलवार दोपहर 2 बजे तक का है। स्वास्थ्य विभाग ने तमाम जानकारियां दी हैं। बात अगर देश की कर ले तो देश में लगभग 1.5 लाख कोरोना के मरीज हो गए हैं। 1,45,000 से ज़्यादा के मरीज का जो डेटा है वो सरकार के द्वारा दिया गया है। लेकिन अगर इस बीच बात कर लें तो जो लगातार केस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लगातार नए मरीज मिलते जा रहे हैं। तो देश में भी लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो 1,45,380 फिलहाल मरीज हैं और इसमें एक्टिव केस की बात कर ले तो वो 80,722 है। तो ये स्थिति है पूरे देश की। बिहार की स्थिति है कि 2870 अर्थात 2,870 मरीज हो गए हैं मंगलवार दोपहर 2 बजे तक। जो पहला अपडेट आया है उस अपडेट में स्वास्थ्य विभाग ने 133 नए मरीजों की पुष्टि की है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको कोरोना से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। हमारे फेसबुक पेज को जाइए, वहां पर आप उसे लाइक कीजिए। इसके अलावा आपका समर्थन और प्यार हमें लगातार मिल रहा है, इस प्यार और समर्थन को लगातार बनाए रखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। खबरों से अधिक अपडेट रहने के लिए बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर खबरें आपको विस्तृत रूप में मिलेंगी, वहां पर आप खबरों को विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। नमस्कार।